साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रही थी, खासतौर से पंजाब वाले लोगों की, सर कि मलेशिया से फ़्लाइट कब आएगी। तो भाई फ़्लाइट तो आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। अभी 16 मई से लेकर 22-23 मई तक आपकी 7 फ्लाइटों का शेड्यूल बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, मलेशिया से बंदों को रिकवर करके लाएगी। अब आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कि भाई वहाँ से कुआलालंपुर से सब फ्लाइटें हैं, और कुआलालंपुर से कौन से स्टेट में कौन से अड्डे पे वो लैंड करेगी और कौन से स्टेट में पहुंचेगी, उनका टाइम क्या रहेगा, कितनी यात्राएं यहाँ पे पहुंचेंगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो देख लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट के हो आपका टाइम टेबल आपके अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। 19 मई से मलेशिया की फ़्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं। मलेशिया कुआलालंपुर जो राजधानी है वहाँ से फ़्लाइटें सब निकलेगी। कर्नाटका स्टेट में बेंगलुरु लैंड करेगी फ़्लाइट, इसमें 17 बजे पहुँचेगी, ये टाइम इसमें दर्शाया गया है। 137 यात्री फेस्ट में आएंगे 19 मई को। आगे साथियों फिर एक 19 तारीख की फ़्लाइट है 19 मई की, मलेशिया कुआलालंपुर से गुजरात अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद फ़्लाइट लैंड करेगी। इसमें टाइम टेबल और यात्रियों की संख्या नहीं दी गई है, हो सकता है शेड्यूल नहीं बना होगा, लेकिन 19 तारीख की फ़्लाइट है अहमदाबाद गुजरात के लिए। 19 मई की फिर एक फ़्लाइट है साथियों कुआलालंपुर से केरला कोची के लिए, जो 20:40 पे वहाँ से उड़ान भरेगी, 22:15 में इंडिया पहुँच जाएगी। 177 यात्री इसमें आएंगे। मुझे यह डाउट ये हो रहा है कि 22:40 पे फ़्लाइट उड़ान भरेगी, 20:40 पे फ़्लाइट उड़ान भरेगी और 22:15 में इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाएगी, भाई टाइम तो इसमें यही दे रखा है। नेक्स्ट फ्लाइट के बारे में बात करें साथियों, 20 मई को फ़्लाइट है। 19 मई की साथियों 3 फ्लाइट है मैंने आपको बता दी। 20 मई की फ़्लाइट है ओडिशा से कुआलालंपुर से फ़्लाइट निकलेगी, जो ओडिशा भुवनेश्वर फ़्लाइट लैंड करेगी। भुवनेश्वर तो सब जानते हैं भाई, एजेंटों का सबसे बड़ा अड्डा है, या तो कोची या फिर भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर फ़्लाइट लैंड करेगी 18:30 में। इसमें यात्रियों की संख्या टाइम टेबल नहीं दिया गया है, लेकिन 20 तारीख की 20 मई की ये फ़्लाइट है। 21 मई की साथियों आगे फ़्लाइट है, कुआलालंपुर से जो फ़्लाइट निकलेगी वो यूपी आएगी, लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड करेगी 16:30 पे नाइट में। 137 यात्री इसमें आएंगे एक साथ में। नेक्स्ट फ्लाइट भाई पंजाब के लिए है 21 मई, पंजाब के लिए कुआलालंपुर से जो फ़्लाइट निकलेगी पंजाब अमृतसर हवाई अड्डे पे फ़्लाइट लैंड करेगी, जो रात को 19:45 पे पहुंच जाएगी, यात्रियों की संख्या नहीं दी गई है इसमें। ठीक है साथियों, पंजाब के लिए एक फ़्लाइट है अमृतसर के लिए। आगे बात करें साथियों 22 मई आगे फ़्लाइट है, मलेशिया से कुआलालंपुर से फ़्लाइट निकलेगी दिल्ली के लिए, दिल्ली पहुंचेगी रात को 16:30 पे वहाँ से निकलेगी और 19:30 में पहुंचेगी। इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएगी मेरे भाई, यानी 3 घंटे में फ़्लाइट यार, दिल्ली से मलेशिया का तो 4-4.5 घंटा लगता है, इसमें 3 घंटे का शेड्यूल दिखा रखा है। पता नहीं भाई इतनी हो सकता है, रात को तेज़ भागेगी फिर। 137 यात्री निकलेंगे। लास्ट फ़्लाइट साथियों 22 मई की है आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश इसमें दिखा रखा है, फिर दिल्ली दिखा रखा है, फिर विशाखापट्टनम। तो ये हो सकता है कि भाई पहले दिल्ली आए फिर यहाँ से विशाखापट्टनम जाए। इसका टाइम टेबल है 22:45 इंडिया में पहुँच जाएगी, यात्रियों की संख्या नहीं दी गई है। तो ये मान लीजिए 8 फ्लाइट मलेशिया के लिए हैं इंडिया में आने वाले 7 दिनों के दौरान। तो ज़्यादातर तो भाई उधर की हैं, एक दिल्ली की, एक पंजाब, एक यूपी की है, एक गुजरात की है, 4 स्टेट, एक वो उधर है केरला कोची, 5 स्टेटों में फ़्लाइटें आएंगी। 8 फ्लाइट का शेड्यूल बताया गया है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा वहाँ के मलेशिया के क्या हालात हैं, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई, हालांकि ये पहले बना देना चाहिए, लेकिन भाई टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं बना पाता, मेरे वीडियो लेट हो जाते हैं क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो पाता है। तो मेरे हिसाब से साथियों फ़्लाइट से रिलेटेड आपको इंक्वायरी मिल गई होगी, टाइम टेबल आप अपने हिसाब से, अगर आपका टिकट बुकिंग करवा रखी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप अपने हिसाब से देख लें। जिसने भी नहीं करवाया वो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, बिना रजिस्ट्रेशन के फ़्लाइट नहीं मिलेगी, ये फाइनल हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस साथियों आज की अपडेट यही है, नेक्स्ट वीडियो पे जैसे मेरे पास कोई नई जानकारी नई अपडेट आती है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें, ताकि जैसे भी अपडेट डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।